आप सभी लोगों को पता है कि भर्ती नहीं कर रहे हैं लगातार हरियाणा पुलिस की भर्ती को टाला जा रहा है हरियाणा पुलिस की भर्ती से रिलेटेड जो केस हो गया था तो वहां पर जो केस को जाकर के जो है जल्दी से जल्दी निपटाने की जो सरकार की मंशा होनी चाहिए वो मंशा नहीं है वहां पर सरकार की तरफ से कोई भी आदमी जो है प्रतिनिधि वहां पर शामिल ही नहीं होता है उस कोर्ट की जांच में और कोर्ट के केस में और तीन तीन महीने की भर्ती दे रहे हैं इस प्रकार से ये हरियाणा पुलिस की भर्ती बहुत लंबी जाने वाली है जो हरियाणा पुलिस की भर्ती में बैठे हुए लोग हैं वो जो है सिर्फ इस भर्ती की तैयारी को सोच करके बैठे ना रहना क्योंकि ये बाद में कुछ भी हो सकता है जब तक तक ना हो तब तक लगातार पढ़ते रहना पहली बात तो ये है हरियाणा पुलिस की इस भर्ती को जल्दी से जल्दी पूरा करवाने के लिए लगातार बच्चों का जो है फोन और मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं लगातार करें सर जो है प्रदर्शन करेंगे अगर आपका नेतृत्व नहीं मिलेगा तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा तो हरियाणा पुलिस का जो ये ज्वाइनिंग का जो मसला अटका हुआ है इसके ऊपर हम लोग बुधवार को या वीरवार को बजे प्रदर्शन करने वाले हैं एग्जैक्ट डेट भी मैं आप लोगों को बता दूंगा जो प्रदर्शन करेंगे उसकी चार मुख्य रूप से मांगे होंगी पहली मांग जो होगी हरियाणा पुलिस की ज्वाइनिंग जल्दी से जल्दी करवाई जाए बिना विलंब तीन चार साल हो गए 19 में भर्ती निकली थी 19 से 22 आ गया और अब जो केस के माध्यम से जो इसको लटकाया जा रहा है तीन साल हो गए अब क्या करके मानोगे सरकार मंत्री महोदय मुख्यमंत्री महोदय क्या हो रहा है ये सब? जी ये सब सब चीजें तो हम लोग पहली चीज पहला जो हमारा मांग जो होगी वो होगी हरियाणा पुलिस की सभी जो है जो, है, जो अलग अलग भर्तियां हुई थी छह टाइप की भर्तियां हुई थी हरियाणा पुलिस मेल हरियाणा पुलिस फीमेल हरियाणा जो है दुर्गा शक्ति हरियाणा कमांडो और, और हरियाणा फीमेल एसआई हरियाणा मेल एसआई आई छह भर्तियां थी सभी भर्तियां लटकी हुई हैं सभी भर्तियों को बिना विलंब के जो है ज्वाइन करवाया जाए नंबर एक सीटी का एग्जाम लगातार टालते जा रहे हैं सीटी का एग्जाम कैसे होगा उसका पैटर्न क्या होगा वो तरीका क्या होगा उन सब चीजों के ऊपर उसका सिलेबस फिक्स करो तो पहली मांग हरियाणा पुलिस की ज्वाइनिंग और दूसरा सीई का एग्जाम करो उसका पैटर्न फिक्स करो और सिलेबस के बारे में बताया जाए तीसरी मांग जो होगी वो होगी हमारी जो ये अभी शिक्षा के अंदर जो शिक्षा को जो सहायता मिल रही थी जो एड के ऊपर जो शिक्षा चल रही थी वो एड बंद करके लोन चालू कर रहे थे तो हम इसकी बिल्कुल कड़ी निंदा करते हैं लगातार इसके ऊपर आवाज भी उठा रहे हैं तो वो जो, जो है लगातार जारी रहनी चाहिए और शिक्षा सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए और जिन जिन बातों के ऊपर शिक्षा जो है सरकार नहीं दे पाती है तो हर प्रकार की शिक्षा टैक्स फ्री होनी चाहिए ये भारत कैसा देश है इसमें जो है शिक्षा के ऊपर टैक्स लग रहा है अगर सरकार की नाकामी है सरकार अपने आप जो है पढ़ा नहीं पा रही है लोगों को तैयार नहीं कर पा रही है उस लेवल पर तो कम से कम जो बच्चे अपने आप अपने आप फीस देकर के बूते पर जो पढ़ाई करते हैं उस पर टैक्स तो ना लिया जाए तो ये चार मुद्दे क्लियर कट चार मुद्दे आप लोग देख लो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो सभी स्टूडेंट्स तक इसको पहुंचा दो हम सरकार के खिलाफ नंबर एक पुलिस भर्ती में जो ज्वाइनिंग हो रही है उसमें विलंब क्यों नंबर दो सीटी में विलंब क्यों और सीटी का पैटर्न फिक्स क्यों नहीं कर रहे नंबर तीन एजुकेशन के ऊपर जो ये सहायता सरकार देती है जो पैसा लगाती है जो हमारे से टैक्स लेकर के पैसा इकट्ठा करते हैं उसका दो ढाई परसेंट जो लगाते हैं तो दो ढाई परसेंट के देने में भी दिक्कत आने लग गई सरकार को एजुकेशन पर खर्च होना चाहिए छह आठ परसेंट खर्च कर नहीं कर रही तीन परसेंट भी और जो कर रही थी उसको भी खत्म कर रहे हैं ये कौन शिक्षाविद थे दो लाख लोगों से पूछ करके बोला एजुकेशन पॉलिसी बनाई तो दो लाख लोग क्या कर रहे थे जो ये कह रहे थे कि जो आप लोग जो है सरकार की तरफ से पैसा खर्च मत करो और जो सब कुछ प्राइवेट कर दो ये कौन सा तरीका है तो उसके खिलाफ और चौथी मांग जो हमारी रहेगी अगर एजुकेशन सरकार नहीं दे पाती लोग प्राइवेट लेते हैं तो हर प्रकार के एजुकेशन के ऊपर टैक्स फ्री होना चाहिए ये चार मांग हमारी रहेंगी वीडियो लंबी हो जाती है लोग ज्यादा नहीं देखते हैं मैंने इतनी ही बातें बोलनी थी आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो हर एक बच्चा इसको जो अपने स्टेटस पर लगा लो और सब लोग तैयार हो जाओ बुधवार को या वीरवार को हम लोग ग्यारह बजे प्रदर्शन करने वाले हैं हर एक डिस्ट्रिक्ट में हर एक जो है सब डिस्ट्रिक्ट में तहसील में तालुका में हर जगह पर जो है ये प्रदर्शन होगा और हर जगह पर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन दिया जाएगा और जो पिछले दस साल से जो ये है भर्तियां टीचिंग की और ये बाकी भर्तियां इनके ऊपर भी ध्यान दिलाया जाएगा तो हम लोग जो है हर जगह पर तो हर एक डिस्ट्रिक्ट हेड्स में जाकर के सभी लोग जो है इस काम के ऊपर जो है थोड़े से एक्टिव हो जाओ और हम इसके ऊपर प्रदर्शन करने वाले हैं सी का एग्जाम हरियाणा पुलिस की ज्वाइनिंग ये हमारे मुख्य मुद्दे है एजुकेशन के ऊपर लगातार सरकारी सहायता चाहिए और जो एजुकेशन प्राइवेट लेते हैं लोग तो वो टैक्स फ्री होनी चाहिए ताकि गरीब बच्चे भी पढ़ सके उनके ऊपर इस पढ़ाई का बोझ ना पड़े जो महंगी महंगी फीस है जो लाखों रुपए के कोर्स है वहां पांच चार हजार रुपए दस हजार रुपये बीस हजार रुपए साल की फीस है तो वहां पर तो टैक्स फ्री होना चाहिए जो जिस शिक्षा को लेकर के गरीब आदमी अपनी शिक्षा को जो वो करता है तो उसको टैक्स देने की क्या जरूरत पड़ती है इस टैक्स के कारण शिक्षा और ज्यादा आधी महंगी हो जाती है अगर टैक्स ना लिया जाए शिक्षा के ऊपर तो बहुत सस्ती हो सकती है पढ़ाई तो आप लोग अपने लिए पढ़ो अच्छे तरीके से और अपने लिए लड़ो तब अधिकार मिलेंगे वैसे थोड़े ही मिलेंगे वरना तो यह मामला गड़बड़ की तरफ जाता जा रहा है और लड़ लड़कर के हमने बहुत सारे अधिकार लिए हैं और लड़ लड़ के अधिकार और भी लेंगे जो सरकार ने कहा था कि हम लोग जो है सहायता नहीं देंगे लोन देंगे तो वो वापिस सहायता पर आ गई थोड़ी सी बातों के बाद भी सरकार पीछे हटती है अगर सही तरीके से जो है मुद्दा उठाया जाए किसानों के मुद्दे पर सरकार पीछे हटी सरकार ने कानून वापस लिए और अब नए जो है शिक्षा के मामले के ऊपर जो है शिक्षा जो है सरकार पीछे हटी है आप लोग अगर सही तरीके से लड़ते रहोगे शांतिपूर्ण तरीके के प्रदर्शन करोगे और सही तरीके से मैनेज करोगे तो आप लोगों के ऊपर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है सभी मांगे पूरी होंगी धीरे धीरे तो पढ़ते रहो और अच्छे तरीके से लड़ते रहो पढ़ना और लड़ना तो हमने सिखाई दिया शेयर कर देना सभी लोग सबके स्टेटस पर वीडियो चाहिए ये।